यहाँ पर दो स्टील की बॉल्स रखी हुई हैं। अगर इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो कौन सी बॉल रेस जीत जाएगी? आप बोलोगे ये भी कोई सवाल है, इतना आसान। ऑफ कोर्स वही वाली बॉल रेस जीतेगी जिसके सामने सीधी पट्टी है। अब ये वीडियो देखो, कुछ समझ आया? यही लाइफ में होता है, आप जितना तेज़ी से नीचे जाते हो उतना ही तेज़ी से ऊपर आते हो। अगर सीधे चलते रहे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेचर आपको इसलिए प्रॉब्लम्स में डालती है ताकि आप और तेज़ी से बाउंस बैक करो और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सको। नीचे गिरना, असफल होना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आएगी उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। किसी ने कहा है कि सफलता एक ट्यूशन फीस है सफलता के लिए, यानी कि अगर आपको सफल होना है तो ट्यूशन फीस देनी होगी, और वो ये है कि आपको असफलता मिलेगी ही मिलेगी। असफलता के बिना सफलता नहीं मिलती। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको ध्यान से सोचो तो समझ में आएगा कि ये बिल्कुल सच है। हर इंसान जो आज सफल है वो सफल होने से पहले असफल हुआ था। हर अमीर इंसान अमीर बनने से पहले गरीब था। हर बड़े बिजनेस वाला कई बिजनेसेस में फेल हुआ था, क्योंकि फेलियर से ही सीख मिलती है और वही सीख आपको जीवन में सफल बनाती है। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं कभी फेल नहीं होना चाहता, वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो असफलता के डर से कोई एक्शन ही नहीं लेते। जो घोड़े पर गिरने के डर से बैठते ही नहीं हैं, वो घोड़ा चलाना नहीं सीख सकते। असफलता जब मिलती है तो उससे आपके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपको पहले से बेटर बनाते हैं, और जब आप इम्प्रूव होते हो तो सफलता मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता। जब लगातार असफलताएं मिलती हैं तो कई लोग निराश हो जाते हैं और निराशा से घिर जाते हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो असफलता मिलने के बाद मजबूती से दोबारा कोशिश करते हैं। असफलता आपके हौसलों को गिराने के लिए नहीं बल्कि आपके हौसलों को पंख लगाने के लिए आती है। अधिकतर सफल लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी असफलता के बाद हासिल की है। सफलता की खुशी मनाना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने फेलियर से सीख लेना। अगर हार की कोई संभावना नहीं हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिसने खतरा उठाया और असफल हो गया उसे माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जिसने कभी कोई खतरा नहीं उठाया और असफल नहीं हुआ वही असफल व्यक्ति है। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के डर से ज़्यादा होनी चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए। हमेशा ये सोचो कि रेस तब तक ख़त्म ही नहीं हो सकती जब तक मैं जीत नहीं जाता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।